छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद ही कमान संभाल रखी है। एक सप्ताह पूर्व भी कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने यहां आम सभा कर नामांकन रैली भी की थी। इसके बाद बुधवार को जीतू पटवारी फिर अमरवाड़ा विधानसभा पहुंचे और हर्रई और अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम खकरा चौरे पहुंचे और यहां राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि इस विधानसभा में 6 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। अब हमें समझना है कि आखिर ये उपचुनाव क्यों आया। हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि बिक जाते हैं, दल बदल लेते हैं, उन्हें सबक सिखाने का ये सही मौका है, इसलिए आपके यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना होगा। तो वो जनप्रतिनिधि वो विधायक साहब का था, वो कांग्रेस बीजेपी का विधायक नहीं था। तो मैं बीजेपी के परिवार के जो साथी है इस गांव के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि बिकते रहे, दल बदल करते रहे, तो जो आप मेहनत आज ये घटना कांग्रेस के साथ हुई है, कल बीजेपी के साथ होगी। तो जनप्रतिनिधियों का जो एहसास है, जो उनका डर है, जो मत के अधिकार का उपयोग है, उसकी ताकत है, वो धीरे से समाप्त हो जाएगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, पहली बार आया हूँ, आप सबसे केवल लोकतंत्र बचाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नखे डालने के लिए जो उन्होंने वादे किए, गेहूं के दाम के, फसलों के दाम के, 3100 धान के दाम के, जो गेहूं के 2700, जो बहनों को 3000 रुपए देने की बात कही, जो 1200 दे रहे हैं, ये 3000 रुपए अगर बहनों को लेना हो तो फिर इस बार बीजेपी को भारी बहुमत से हराना चाहिए, एक साथ होकर हराना चाहिए। बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आचलकुंड दरबार के महंत सुखराम दास के बेटे धीरन शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और विधायक की छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हर्रई राजघराने के राजा कमलेश प्रताप शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देव रावण भलावी भी मैदान में है। चूँकि अमरवाड़ा उपचुनाव के इस घमासान में देखा जाए तो कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य विधानसभा होने के चलते यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस बीजेपी और गोंडवाना पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के ऐन बाद हो रहे इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जहां भाजपा ने यहां 35 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कई पार्टियों से समर्थन जुटाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव के घमासान में जीत का सहरा किसके सिर सजता है।